ओम शांति। आज 23 सितंबर 2023। आज की साकार मुरली से हमें गुण सीखने मिलता है रियलाइजेशन का, अर्थात महसूसता का। महसूसता रियलाइजेशन की जो शक्ति है, रियलाइजेशन का जो गुण है, वो हमारे अंदर परिवर्तन लाता है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है रियलाइजेशन होना, महसूसता होना, क्योंकि जो कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म में राइट है या रॉन्ग है, अगर इसकी रियलाइजेशन नहीं है, अगर रॉन्ग कर्म करते जा रहे हैं तो वो विकर्मों का बोझ बढ़ाता जाएगा। रियलाइजेशन होगी तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी। हम सतयुगी दुनिया में सतोप्रधान थे, जब परम धाम से आए थे बिल्कुल शुद्ध पवित्र पावन आत्माएं सतोप्रधान थी, और सतयुगी दुनिया में अपना पार्ट प्ले करते थे। पार्ट प्ले करते 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 जब सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग में आ गए तो आत्मा तमोप्रधान बन गई है। और तमोप्रधान अर्थात आत्मा तो आई तब शुद्ध थी, पवित्र थी, लेकिन तमोप्रधान कैसे बनी? द्वापर युग से आत्मा ने जो कर्म किए बॉडी कॉन्शियस में आकर के विकर्म करती गई, और उन कर्म को जब हमने ठीक उसी समय नहीं किया, वो विकर्म का बोझ बढ़ता गया। जितना विकर्मों का बोझ आत्मा पर बढ़ता जाता है, रियलाइजेशन नहीं है तो परिवर्तन नहीं होता है ना। एक अगर हम गलत रास्ता ले लेते हैं तो वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं, और रियलाइजेशन नहीं होता कि अगर रास्ता गलत ले लिया है तो हमें चेंज करना होगा अपना रूट ना। वो परिवर्तन न शक्ति तब आती है जब रियलाइजेशन हो। तो राइट रूट पर आने के लिए फिर एफर्ट्स भी लगेंगे, पुरुषार्थ भी करना होगा, लेकिन पहला स्टेप है रियलाइजेशन का। पता तो चले क्या कर रहे हैं, अगर पता चला रियलाइजेशन हुई तो परिवर्तन आसान हो जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है परिवर्तन के लिए रियलाइजेशन, और ये रियलाइजेशन ज्ञान से ही आता है। परमात्मा जो हमें ज्ञान देते हैं कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो ना, अनेक जन्मों के पापों का बोझ सिर पर है, जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, विकर्म किए हैं, उन सब बोझ को ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए एक ही उपाय बाबा बहुत सुंदर बताते हैं, और वो है परमात्मा की याद। जितना स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे, ये विकर्मों का बोझ समाप्त हो जाएगा। मम्मा और बाबा दोनों नंबर वन आत्माएं हैं, दोनों अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, दोनों अपना पुरुषार्थ में बताते, इतना पुरुषार्थ करते, बाबा को याद करते, फिर भी कोई ना कोई कर्म छूट जाते हैं, क्योंकि अनेक जन्मों के विकर्म किए हैं ना। तो उनको योग के बल से तो चुकतु करना, दूसरा है भोगना से चुकतु करना, कर्म भोग से चुकतु करना। तो थोड़ा कुछ रह जाता है तो वो कर्म भोग के रूप में भी आता है। तो बाबा ने कहा इसीलिए कि अटेंशन देकर योग से अपने विकर्मों को चुकतु करो ना, नहीं तो फिर अंत समय में कर्म भोग आएगा। कर्म भोग पर विजय प्राप्त करके हमें कर्मातीत बनना है, इसके लिए योग लगाना है। निरंतर परमात्मा की याद बनी रहे, ऐसी पक्की याद जो आत्मा पावन बन जाए और सारा कर्मों का बोझ खत्म हो जाए ना। ये अटेंशन देकर आज सारा दिन हम अपनी योग युक्त अवस्था रखें और अपने आप को पावन बनाते हैं, आगे बढ़ते रहें। आज के दिवस की यही शुभकामना। ओम शांति।